रोड से जाफरनगर एरिया में जो है कुछ नौजवान मुंह पे रुमाल बांध के जो है तलवार ले करके यहाँ दहशत फैलाने के उसमें जो है आज अभी होटल पे जो है 3 दिन से आके तोड़फोड़ कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसा मालूम पड़ा कि ये 2 ग्रुप का झगड़ा चालू है, लेकिन अब जाफरनगर की आवाम जो है एकदम परेशान हो चुकी है। आए दिन जो है किसी न किसी बच्चे को दूसरे बच्चे को मार दे रहे हैं। अभी एक लड़के को मारे हैं, उसको सिविल हॉस्पिटल लेके जाया गया। अभी हम लोगों ने मुस्तकिन ने फोन करके डीएसपी साहब को बुलाए और उन्होंने जो है आकर के पूरा पंचनामा करके गए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उन लोगों पे कार्रवाई करेंगे। तो हम लोगों को उम्मीद जो है डिपोटी साहब से है, जबकि डिपोटी साहब को आए 2 महीना हो गया है, लोग उनके नाम से डर रहे हैं। लेकिन आज जाफरनगर में जो है इतने ज्यादा तलवार और जो है बंदूक हो गई है कि लोग जो है डिपोटी साहब से भी डर नहीं रहे। तो हम डिपोटी साहब से गुजारिश करेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दे, नहीं तो ये 2-3 दिन में फिर छूट के आ जाते और उसके बाद फिर इससे ज्यादा हरकत करेंगे। आज गरीब लोग जो है धंधा करने के लिए डर रहे हैं, पहले ही जो है बेरोजगारी हो गई है, 11 बजे होटल बंद करना पड़ रहा है, ये लोग आगे 10 बजे 9 बजे ये सब हरकत है जो जाफरनगर में चालू है। और ये गिने चुने 2 ग्रुप में 6 लोग है, इधर 5-6 लोग है। इस तरीके से जो है जाफरनगर की पूरी आवाम जो है एकदम दहशत में जिंदगी गुजार रही है। मैं वापस से एक मरतबा दरख्वास्त करूंगा डिपोटी साहब से, एसपी साहब से कि ये जो है ये लोगों पे कार्रवाई करे और उनको सख्त से सख्त। 3 रोज से जाफरनगर और एतराफ में एक दहशत का माहौल कुछ लोगों ने बनाया है और पीछे भी आमीन मेंबर जो है एक बेदार शहरी के नाते उनकी कंप्लेन किए और मुझे भी बोले कि इस तरह से दहशत बनाना मालेगांव शहर में जो आम लोगों को तकलीफ हो, अगर कोई 2 ग्रुप का आपस का मामला है, अगर वो क्रिमिनल लोग हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नशा करते हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। रघुवीर सिंह साहब DYSP यहाँ पर आए और उन्होंने सारे हालात को देखा और खुद उन्होंने अपने मोबाइल में सब कैप्चर्ड किए फोटो और हमें पूरी उम्मीद है कि पुलिस उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगी और रघुवीर सिंह साहब जो है वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर इस शहर में बना रहे उसकी कोशिश करते हैं। और अब ये उनके सामने एक चैलेंज है कि इस तरह से दहशत पैदा करने वालों पर किस तरह से सख्त कार्रवाई करते हैं। हमें पुलिस डिपार्टमेंट में उनसे ही फिलहाल उम्मीद है कि वो इस तरह के लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने कहा है कि मैं पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ क्योंकि इस इलाके का संबंधित पुलिस स्टेशन पवारवाड़ी है, तो वहां पर वो बाकी बातें समझाएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मगर मालेगांव शहर में इस तरह का वाकया होना ये खुद एक सोचने की बात है कि इस तरह से अगर लोग दहशत पैदा करेंगे। DYSP साहब को क्यों बुलाना पड़ा ये भी एक सवाल है कि ये जो पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन के जो पुलिस वाले हैं उनका काम है कि इस तरह से उनके अगर उनके हल्के में इस तरह की दहशत पैदा की जा रही है तो उन पर रोक लगाई जाए। हमको मजबूरी में DYSP साहब को बुलाना पड़ा और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे।